పద్మనాభం సురేశం విశ్వధారం గగన సదృశ్యం మేఘవర్ణం శుభారంభం. अरे यार तू यहाँ पर है, मैं तुझे वहाँ ढूंढ रहा था. लेकिन क्यों? भगवान कृष्ण भी बहुत ग्रेट हैं. अच्छा, वो कैसे? नहीं पता. भगवान कृष्ण के पास 1600 गर्लफ्रेंड थी, उनको संभालना कितनी बड़ी बात है. तेरा लफड़ा क्या है बोल. अरे इतने दिन से ट्राई मार रहा हूँ, पद्मा मेरे से इम्प्रेस ही नहीं होती है. लड़कियों को इम्प्रेस करके कुछ नहीं होगा, वो इम्प्रेस होगी तभी कुछ होगा. भाई लगता है वो इम्प्रेस हो गई. अंजलि तेरे को ही देख रही है. अरे देखने से क्या होता है, हंसी तो फिर फंसी. भाई भाई वो तो हंस रही है. फिर तो प्रॉब्लम है भाई. इधर आ. क्या बात है अंजलि, बड़ी शर्मा रही है. मुझे तुमसे एक बात कहनी है. हाँ बोलो ना. मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है, 90,000 सैलरी है, पता है. वेरी गुड, कांग्रेट्स. पर घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं. अगर तुम हाँ कहो तो. हाँ बोल तो सकता हूँ, पर अभी जो नौकरी मिली है उससे अभी रिजाइन दे दो तो अच्छा नहीं रहेगा ना. मैं नौकरी से रिजाइन कर दूंगी. तो फिर तुम मेरे साथ हैदराबाद आ जाना. अच्छा, इस गाँव को छोड़कर मैं तेरे साथ आऊँ, चांस ही नहीं है. कभी कभी भगवान की सेवा, कभी कभी बड़े पापा की सेवा, बस मेरी जिंदगी तो यही है. क्यों रे? सही बोला भाई. बड़े पापा बुला रहे तुम्हें. हाँ आ रहा हूँ. तुम कहो तो मैं चलूँ हैदराबाद. निकम्मे. हाँ बड़े पापा. राजू. हाँ. खर्च के लिए इन्हें कुछ पैसे चाहिए, जितना मांगे उतना दे देना आप लोग. अच्छा अच्छा सुनो. कितने चाहिए? खाने की महक तो इतनी अच्छी आ रही है कि लगता है बड़ी माँ खिला खिला कर ही मारेगी. सुन पार्वती जी, इसे अच्छे से बांधना और चींटी न लग पाए इसलिए छींके पर टांग देना. ठीक है? अरे बड़ी माँ इतना सब कुछ, मिठाई की दुकान खोलने का इरादा है क्या? चुप कर पागल. तेरे दोनों भाई, मुंह बोली बहन, सब लोग इतने दिनों बाद यहाँ आ रहे हैं तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना. मैं बहुत थक गया हूँ, एक कॉफी बना दो ना. यहीं खड़ा रहे और देख के चींटी न लगे, मैं भी आती हूँ. आहा, तिरुपति का लड्डू, अन्नपूर्णा जी का प्रसाद और आपके हाथ की कॉफी, तीनों का जवाब ही नहीं. ए राजू इधर आ. हाँ बड़े पापा. शांति ने फोन किया था, कल वो लोग आ रहे हैं, राजमंडी जाकर उन्हें ले आना. ठीक है बड़े पापा. शांति भी कल आ रही है, बहुत सारा काम है हमारे पास. हाँ। ये बाद में. चलो बेटा. उठना उठना. हुआ बड़ी माँ? कुछ नहीं बेटा, शांति जिस प्लेन से आ रही है वो अभी कहाँ पहुंची होगी. बस हो तो कौन सा गांव है पूछ सकते हैं, ट्रेन हो तो कौन सा स्टेशन है बोल सकते हैं, लेकिन प्लेन, प्लेन कहाँ तक आया कैसे पूछ सकते हैं, इतना तो पता नहीं बड़ी माँ. लेकिन कल वो राजमंडी जरूर पहुंच जाएंगे. ठीक है ना, अभी जाओ सो जाओ प्लीज. राजू. ए राजू. लगता है ये घड़ी ना बहुत स्लो चल रही है. शायद सेल डाउन हो गया है. सब लोग आने वाले हैं ना, घड़ी जो है वो अपने आप स्लो नहीं हो जाएगी. वो जैसे घूम रही थी वैसे ही घूम रही है. आपने इतने साल वेट किया है, कुछ घंटे और वेट नहीं कर सकती. पहले तो वो आएंगे या नहीं ये बात थी,
कितने भी साल इंतजार कर सकती थी, पर जब से पता चला है वो आ रहे हैं, तब से एक एक पल भी युगों जैसे लग रहा है। वो आ जाएंगे, अब जाके सो जाओ। अरे उठ, शांति के आने का वक्त हो गया है, जल्दी उठ, चल उठ, तेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती, जल्दी तैयार हो जा और उन्हें लेकर आ। भाई अगर त्योहार के दिन मुर्गों की फाइट का लाइव टेलीकास्ट करें तो कैसा रहेगा? बस वो रात पुलिस स्टेशन में गुजारनी पड़ेगी, फालतू आइडिया मत दे। अरे सुन, ये तो अपना बद्री है ना? हाँ वही है। ए बद्री, इधर आ। वैसे ही का वैसा काला है ये। क्या रे, अपने गांव जा रहा है? अब हमेशा के लिए उधर ही रहूंगा। तुझे बोला था शहर की नौकरी छोड़कर यहाँ पे कर ले, और तेरी शहरी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो पहले की बात थी। ए टीवी सीरियल में जो होता है उस पे यकीन कर लेना, पर कंप्यूटर की दोस्ती पे यकीन मत करना। पहले देखती है, फिर मुस्कुराती है, फिर खर्चा करवाती है, उनके ऊपर खर्च कर करके मैं बर्बाद हो गया हूँ, इसलिए गाँव छोड़ के जा रहा हूँ। और तेरी गर्लफ्रेंड? अरे काहे की गर्लफ्रेंड, अरे जब देखो तब मेरी बैंड बजाती है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके नाइट डिनर तक मेरी छाती पे मूंग गलती है। ए शुरू में ना मेरे गाँव का पिन कोड नंबर मांगा, मैंने उसको दे दिया। उसके बाद ATM का पिन कोड मांगा, कहीं उसे बुरा ना लगे सोच के दे दिया। उसके बाद वो स्वाइप पे स्वाइप किए जा रही है यार। इसलिए कहते हैं अपनों पर भरोसा करो, गैरों पर नहीं। जैसे दूसरों को सेट किया मुझे भी कर दो ना यार। फेस्टिवल हो जाने दे, बाद में देखते हैं। नारियल रेडी? माँ कसम आज तू एकदम नारियल बेचने वाला लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। ये रखकर हमको राजमंडी जाना है, याद है तेरे को? राजमंडी क्यों भूल गया तू? मेरे लिए लड़की देखने जाना है, इसलिए राजमंडी जाकर शॉपिंग करने की बात हुई थी ना, कहीं रिश्तेदारों में तू बिजी तो नहीं हो गया? अरे रिश्तेदार आसमान के पंछी की तरह होते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन दोस्त आकाश की तरह होते हैं जो हरदम हमारे साथ रहते हैं। चलो चलते हैं। राजू इतनी देर में आएगा तू? अरे अभी अंदर गया और अभी आया। दादाजी दादाजी ये देखिए फोटो। ये क्या है? फोटोज। ये कौन है? कैटी, रीचा, बड़े बाबा। नारियल लेकर आ गया हूँ, आपको और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। अब तू एक काम कर, वो नित्या को अपना गांव खेती बाड़ी देखना है, जा जाके दिखा दे। ठीक है बड़े पापा। सुन ताकत के लिए दूध पीना बहुत जरूरी होता है। यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? वो अंदर राजू के साथ राजमंडी जा रहे हैं, इसीलिए उसका वेट कर रहे हैं। ओहो मैं नहीं आ रहा हूँ यार। एक काम करो, तुम लोग जाकर आ जाओ, मुझे कुछ काम है। बेटा मेरे लिए तुम अपना प्रोग्राम क्यों कैंसिल कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त तो आए हुए ही हैं, उन्हीं के साथ चले जाओ। दोस्त क्या है फूफा जी, पेड़ के पत्तों की तरह होते हैं, हमेशा झड़ते रहते हैं। लेकिन रिश्तेदार वो तो पेड़ हैं, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। क्या हुआ, तुम लोग जाओ ना। आइए फूफा जी आओ। लगता है दादाजी ने कुछ काम बता दिया होगा, राजमंडी बाद में जाएंगे, चल अभी चलते हैं। Nice painting. इसे पेंटिंग नहीं कहते, रंगोली बोलते हैं। रंगोली? हाँ। ओके। ए सुबो। बो, ये क्या डिजाइन बना रही है तू? मेरा घर बहुत सुंदर है ना, इसलिए मैं घर के सामने रंगोली बना रही हूँ। मेरी रंगोली कैसी है? ये कोई रंगोली है? देखो ना इसमें कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। अरे फ्लावर्स कहाँ हैं? अरे भूल गई, अभी बना देती हूँ। राजू मुझे ही सीखना है। सुबो नित्या को तुम रंगोली बनाने सिखाओगी? तुम जो कहोगे ना मैं सब सिखा दूंगी। अच्छा तू कुछ भी सिखा देगी? तुझे पता है ये कौन है? वैसे ये लड़की कौन है? मेरी आंटी की लड़की है। नमस्ते जी। ये बात है तो फिर मैं सेफ हुआ। क्या मतलब? वो जिसके पास आईफोन होता है ना वो चाइना फोन नहीं चुराता है। आईफोन चाइना फोन क्या होता है? आईफोन मतलब आईफोन होता है और चाइना फोन मतलब चाइना फोन होता है। सही बोल रहा हूँ ना? चलो चलते हैं। बहुत हीरा लिया, रंगोली बना। अरे बेटा कैसे हो, ये लड़की कौन है? ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। ओ ऑस्ट्रेलिया वाली, दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे हो, मुंह मीठा कब करवा रहे हो? मुंह मीठा मतलब? मुंह मीठा मतलब खीर खानी है। ओ मतलब खीर। दादी आपको खीर खानी है? जी हाँ मैं लाऊंगी। चलो चलते हैं। और चाचा जी इस बार खेती अच्छी हुई ना? हाँ बेटा। बड़े पापा याद कर रहे थे, जरा मिल लेना। ठीक है बेटा मिल लूंगा। ये सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं तो। नहीं लेकिन तुम सबको अंकल आंटी कह रहे हो। बड़ों को नाम से कैसे पुकार सकते हैं, रिश्ते से पुकारोगे तो रिश्ते बन जाते हैं। गाँव में हम सबको ऐसे ही बुलाते हैं,
इसलिए यहाँ पर रिलेशंस और इमोशंस ज्यादा हैं। वेरी नाइस। अरे यहाँ खेती बाइक से करते हैं क्या? इंटरेस्टिंग। क्या रे, कौन है ये? नित्या, रिश्तेदारी समझ ले इसे। हाय। नमस्ते जी। तुम्हारी बाइक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका सारा क्रेडिट राजू को है, इसी ने बनाया है इसे। रियली? सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीजों को बनाया है इसने जो यहाँ के किसानों के काम आती हैं। पढ़ा आर्ट तक है लेकिन दिमाग इंजीनियरों वाला। रियली? दैट्स ग्रेट। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम हिम। यू आर रियली टैलेंटेड राजू। ओह सॉरी, आप इंग्लिश नहीं समझते ना। व्हाट यू सेड अबाउट राजू इज एब्सोल्युटली राइट। ही हैज अमेजिंग टैलेंट। His inventions are useful to every villager. You know English? I did my masters from Chicago State University. वहाँ पढ़कर आप यहाँ? क्यों? उधर पढ़कर यहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं कर सकते? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। इसी ने मुझसे कहा, तू शहर में जितना पैसा कमाएगा, उतना पैसा तू यहाँ खेती करके कमा सकता है। और आज मैं नौकरी से ज्यादा पैसा यहाँ कमा रहा हूँ। इसका क्रेडिट जाता है राजू को, सच कहूँ तो। आई एम वेरी हैप्पी। दैट्स ग्रेट। चले? हाँ। बाय। बाद में मिलते हैं। नित्या, ये कैमरा दो, अब चलो। हाँ? आओ। राजू, हाउ कुड आई कम? कैटवॉक पता है ना? I know. वैसे ही करते हुए आ जाओ। अरे आओ, कुछ नहीं होगा।